नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। विपोर जोय का कहर अब राजस्थान की तरफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के जालौर से इस वक्त हम बड़ी खबर बताएंगे, जहां तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने चुनौती बढ़ा दी और पांचला बांध टूट चुका है, जिसकी वजह से आसपास के 12 गांव पानी में डूब गए हैं। बांध का पानी अब कस्बे की ओर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी किया है और मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे हैं, पांचला बांध की ये वही तस्वीर है जहां पे अब हालांकि चार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जालौर में यही बांध टूटा है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी गया है। और चार तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जल संकट जो है राजस्थान के कई इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जयपुर तक एक खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जालौर में बांध टूटने से लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन भी लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सांतौर शहर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वहां से भी यही हालात। राजस्थान में महातूफान से आफत, गुजरात के बाद राजस्थान में असर। भारी बारिश से जालौर में टूटा बांध। 3 दिन पहले आए बिपोरजॉय तूफान का असर अभी भी जारी है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब राजस्थान में तूफान का साइड इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बेबस लोग अपने घर अपने ठिकानों को छोड़ रहे हैं। राजस्थान में जालौर में हालात काफी खराब हो गए हैं। वहाँ तेज हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पांचला बांध टूट गया है, जिसकी वजह से आसपास के 12 गांव डूब गए हैं। बांध का पानी अब कस्बे की ओर बढ़ रहा है। कई घरों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। जहां भी नजर जाए चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। दो कमरा, एक पठार, दूसरा कमरा और कोताक, रसोई सही पानी में भरा। इतना है कि बैठ पीने की जगह नहीं, इतना तो पानी खाना भी नहीं बना सकते। पूरा भरा हुआ वाटर है हमारे पीछे, पूरा भरा हुआ। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया और मदद के लिए सेना को भी बुलाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर में सुरावा बांध टूट गया, जिसके बाद नर्मदा लिफ्ट कनाल में पानी बढ़ने से वह भी टूट गई। अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर शहर पर मंडरा रहा है। सांचौर शहर से बांध की दूरी 15 किलोमीटर है, जहाँ करीब 50,000 लोग रहते हैं। बताया गया कि गुजरात की तरफ से भी पांचला सुरावा बांध में लगातार पानी आ रहा था, जिसकी वजह से बांध टूट गया। हालांकि हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की पहले से ही अपील की गई थी। तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। हालांकि राजस्थान में अभी तूफान का असर जारी रहने की संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। राजस्थान के पाली में महातूफान रिपोर्ट जॉय का असर दिखना इस वक्त शुरू हो चुका है। पाली में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। जगह जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब चुके हैं। 4 फीट तक पानी भरने का मतलब कि चुनौती बहुत बड़ी है। तो रेलवे ट्रैक्स में पानी आ रहा है, रास्तों पे पानी आ रहा है। जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भवानी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे को तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भवानी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्या स्थिति वहां की? देखिए, इस वक्त मैं पाली जिले के अंदर हूँ, पाली शहर से पास में ही, और मैं हाईवे पे हूँ। दिल्ली से अहमदाबाद की ओर चलने वाला हाईवे, काफ़ी बिजी हाईवे है, लेकिन जिस तरीके से तूफान लगातार स्पीड, जहाँ पर मैं खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा होना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हवा की जो स्पीड है वो तूफान की ज़्यादा, तकरीबन
50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है, काफ़ी मुश्किल हो रहा खड़ा होने के लिए। और जो बारिश आ रही है जिस तरीके से, इस तूफान के साथ में लगातार बारिश कभी तेज़ हो रही है, कभी कम हो रही है, ये लगातार सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। और अभी जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस वक्त जालौर के अलावा जो पाली, जहाँ पर मैं हूँ पाली के पास में, बाली के अंदर रेस्क्यू किया गया, जहाँ पर कुछ लोग पानी के अंदर फंस गए थे। NDRF की टीमें इस वक्त पाली और जालौर, खासतौर पर जालौर के सांचौर कस्बे में जहाँ पानी पहुँच चुका है। सांचौर कस्बे के अंदर एक डैम टूटा था, उस डैम का पानी कस्बे के अंदर चला गया तकरीबन 3 से 4 फीट, इसलिए कस्बे से लोगों को यहाँ हटाया गया, जो जहाँ जहाँ पानी पहुँचा वहाँ पर से रेस्क्यू किया गया। NDRF की टीमें इस वक्त सांचौर के अंदर तैनात है, SDRF की टीमें हैं, सिविल डिफेंस की टीमें हैं, राजस्थान सरकार ने एक IAS को भेजा है वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए। और इसके अलावा जो बाड़मेर है, बाड़मेर में कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन बाड़मेर के चौटन इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश हुई 25 साल में, 8 इंच से ज़्यादा बारिश हुई, 12 इंच बारिश जालौर के अंदर हुई है, भारी बारिश हुई है इस तूफान की वजह से। लगातार जो पश्चिम राजस्थान का इलाका है, जो आप देखिए कि तूफान आ कहाँ से रहा, गुजरात से एंटर कर रहा है, कच्छ से, उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर से होते हुए जालौर, जालौर से सिरोही, पाली सिरोही, और फिर आगे बढ़ रहा है। कल के लिए भी अलर्ट है 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी आपका भवानी, हम फिर से रुक करेंगे, लेकिन दर्शकों को ये भी याद दिला दें कि जून का महीना है, तपती गर्मी होती है राजस्थान के अलग अलग इलाकों में, लेकिन विपरीत जो है तूफान का ही ये असर है कि आप देखिए ज्यादातर जिले राजस्थान के कैसे पानी में डूब रहे हैं। देखो राजस्थान में तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, प्रशासन भी राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है, कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेतीले रेगिस्तान में किस तरीके से जल प्रहार जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब पांचला जो बांध है वो टूट गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कई चैलेंजेस ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सिरोही की इस वक्त बात करेंगे, सिरोही में भी भारी बारिश हो रही है। सिरोही में पिछले कई घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी आसपास की बस्तियों में भी घुस गया है और जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वहीं के लोगों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो अपने घर में घुस गए पानी की वजह से बेहद परेशान है, यानी दिनचर्या निपटाने में भी इनको परेशानियां हो रही है। निकल डोंग का कहर जो है साफ तौर से देखने को मिल रहा है। सिरोही के हवाई पट्टी के सामने जीएसएस के पास में हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो पूरा जो है जलमग्न हो चुका है, ये कच्चे मकान जो है पूरी तरह से पानी से भर चुके हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी रात से जो है, ये बीती रात से जो पूरा परिवार जो है खुली छत के नीचे जो है पूरा भीगता रहा, और कहीं ना कहीं 2 दिन से लाइट नहीं होने के कारण जो है इनको जो खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं होने के कारण ना तो कंट्रोल रूम से संपर्क कर पाए ना किसी को। आप बताएं कि क्या समस्या आ रही है? समय से यह आ रही था, पानी कल से 2 दिन से जल भराव हो गया, कोई खाने की जगह हमारे पास में सामान है, और ना प्रशासन का हम गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल दिखे दो डिस्चार्ज हो चुके हैं, हम मोबाइल करे तो करे कहाँ। तो लगातार आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जो पानी से भर गए हैं, कई घरों में पानी घुस गया है, लेकिन राजस्थान के जोधपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर भी विपोर जॉय का असर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम आपको ये भी अपडेट कर दें कि गुजरात के तट से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान विपोर जॉय का असर अब राजस्थान के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं वहां चल रही है। 24 घंटे में राजस्थान के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई है और बारिश इतनी हुई है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया है, ऐसे इलाकों में सिविल डिफेंस के लोगों ने अभियान भी चलाकर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। में बिपोरजॉय का कहर, भीषण बारिश से बिगड़े हालात, तूफानी हवाओं के बीच लोगों का रेस्क्यू, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय ने गुजरात के बाद अब राजस्थान में पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में उस तूफान की एंट्री होने के बाद से कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।
केवल इतना ही नहीं, तेज रफ्तार हवाओं के चलने से क्या पेड़ और क्या बिजली के पोल सब धाराशायी हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। जालौर जिले में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जालौर में ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नदियों में उफान आने की वजह से भीनमाल और सांचौर कस्बों के बीच संपर्क टूट गया है। वहीं प्रशासन ने आपदा प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। रात को बाढ़ का पानी आएगा तो आप अभी अपने सुरक्षित स्थान पर अभी चले जाइए। बाड़मेर में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है, जिसके बाद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कई निचले इलाकों में तो हालात और भी बदतर नजर आ रहे हैं। धनेव इलाके में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस के लोगों ने तूफान के बीच लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। कई घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये है कि घरों का सारा सामान पानी भरने से भीग गया है। मेरे जो पांव है, ये पांव नहीं दम रहे हैं, इतना स्पीड से ये पानी आ रहा है और करीब 4 से 5 फीट तक यहाँ पर पानी है। वहीं हालात को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है और लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से निकलने की अपील की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां बिफोर जो तूफान का असर दिखना लगता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ साथ यहां पर लगातार बारिश हो रही है। कई रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था बिगड़ चुकी है, यानी ट्रैफिक जगह जगह पे। नगर निगम की टीम कॉलोनियों से पंप की मदद से पानी को निकालने में जुटी हुई। और इस वक्त सीधे हम भवानी का रुख करेंगे। भवानी, ये जून का महीना है और राजस्थान की गर्मी की चर्चा हम हर साल करते हैं, लेकिन क्या हम माने कि सिर्फ बिफोर जो तूफान की ही वजह से ये राजस्थान के ज्यादातर जिले अभी बाढ़ की चपेट में? देखिए, मई जून राजस्थान में तपती गर्मी का सीजन होता है, गर्म हवाएं चलती है और टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि बिपरजॉय तूफान ने किस तरीके से कहर बरपाया। मैं कैमरे से कुछ तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा कि पहाड़ से ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, विजिबिलिटी काफी कम है। ये जो तूफान है और उसके साथ में भारी बारिश का ये इलाका, जहां सामने आपको नजर आ रहा, जहां जहां कैमरा नजर आ रहा है वहां पर कैमरे से देख सकते हैं, और यहाँ जो स्पीड ज्यादा है इसलिए हमें सीधा खड़ा करने में काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हवा की स्पीड के साथ में बारिश आ रही है और चक्रवाती तूफान की वजह से बारिश लगातार घूमती जा रही है। जैसे तूफान मूव कर रहा है, साइक्लोन लगातार मूव कर रहा है चारों तरफ से, और ये पाली का इलाका जहां पर ट्रेन ट्रैक के अंदर पानी भर गया, इसलिए यहां ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ। निचले इलाकों के अंदर पानी के अंदर, शहर के अंदर पानी भर गया। हम अभी बाहरी इलाके के अंदर हैं, और इसके अलावा जो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में कई निचली बस्तियों में पानी भर गया, जहाँ मड पंप लगाए गए वहाँ पर अभी तक लोगों को निकाला जा रहा है, घर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो पूरा जो पाली, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा, बाड़मेर में कुछ कम हुई है जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता जा रहा, और इसका असर अब हम देख रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान से दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। दक्षिणी राजस्थान यानी जो कोटा टोंक का इलाका, उस तरफ ये तूफान और बारिश बढ़ती जा रही है, और पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा जहाँ पर करौली, सवाई माधोपुर का इलाका वहाँ पर बढ़ रहा है, तो वहां पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। तो कल हमें जो देखने को मिलेगा वो शायद इस इलाके के अंदर तूफान का और बारिश का असर ज्यादा हो सकता है, लेकिन आज जो दिन भर ऐसा लग रहा है कि ये पश्चिम राजस्थान का इलाका है जहां पर ये जो तूफान और बारिश का असर ज्यादा है, और ये पहली बार हुआ, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा बारिश का, भारी बारिश की वजह से। राजस्थान में जो असर हो रहा है आप देखिए कि जो द्वारका के अंदर हुआ वहां साइक्लोन का असर ज्यादा था, लेकिन राजस्थान में जैसे जैसे जो अरब सागर से तूफान पानी लेकर आया वो यहाँ पर इसलिए भारी बारिश हो रही है इस इलाके के अंदर तमाम, और ये पूरे सूखे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। जालौर का इलाका हुआ हो या बाड़मेर का इलाका हुआ हो या जोधपुर का इलाका हुआ हो, वहाँ पर इसलिए जो छोटे छोटे डैम्स हैं वो टूट रहे हैं, इसलिए NDRF को लगाया गया है,
राजस्थान सरकार ने, और अभी सेना की मदद नहीं ली गई है, लेकिन सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया कि अगर एनडीआरएफ से काम नहीं चलता तब सेना को बुलाया जा सकता है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो सांचौर का इलाका है जहां पर डैम की वजह से पानी भरा हो, या फिर पाली के कुछ इंटीरियर के इलाके हैं पाली जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अलग अलग जगह पर हम कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भवानी, तो रिपोर्ट जो है का कहर, जो तूफानी कहर है, वो राजस्थान के कई इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया भवानी फिलहाल तमाम जानकारी। तो राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बाड़मेर के धनेऊ इलाके में पानी भर गया है और यहां पानी भर जाने की वजह से कई लोग फंस गए हैं जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित निकाल लिया है। ये तस्वीरें हम वहां की दिखा रहे हैं जहां पे प्रशासनिक टीमें पहुंची और एक एक करके लोगों को रेस्क्यू किया। राजस्थान में तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश का असर रेल सेवा पर भी देखने को इस वक्त मिल रहा है। रेलवे ने आज राजस्थान आने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जोधपुर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को कल तक के लिए रद्द किया गया है। वहीं बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ऐसी ट्रेनें हैं जिसे रद्द कर दी गई है।